Stanwood Senior Secondary School, Happy Home School, Learn and Grow Preschool, Jyoti Shishu Niketan School, Manas Academy and SKB School, Balicha. These schools have helped us कि हम इन 2000 से ऊपर बच्चों तक पहुंच पाए. Now I would like to request Manoj Rajpurohit sir to kindly brief about the initiative. हमने एक प्रोग्राम किया, 54 बच्चे थे और चाइल्ड एब्यूज को लेके हमने अभी 15-20 दिन पहले एक छोटा सा प्रोग्राम किया. तो उस प्रोग्राम से पहले मैं काफ़ी स्कूल में गया और काफ़ी स्कूल में जाके बोला कि मुझे ऐसा कुछ प्रोग्राम करना है जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को लेके हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएं, कोशिश करें कि राजस्थान में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं बनाया, तो हम लोग ऐसा एक रिकॉर्ड बनाना चाहें. पर किसी भी स्कूल वालों ने पहले सहयोग नहीं किया. शुरुआती दौर में काफ़ी तकलीफ आई कि कैसे क्या करूँ, किसके साथ में मिलकर इस चीज़ को भी लेके पढ़ाएं और इस चीज़ को लेके कैसे समझाएं. तो सबसे पहले जब मैं सत्यप्रकाश जी स्टैनफोर्ड स्कूल के जो संस्थापक हैं इनसे मैंने मुलाकात की और अपने विचार व्यक्त किए कि मैं एक निःशुल्क प्रोग्राम करना चाहता हूँ और जिसके अंदर हम लोग सारे स्कूलों को इस तरीके से जोड़ के और एक अच्छा सा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को लेकर हम बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं और प्रोग्राम करना चाहते हैं. तो आपने एक सहयोग दिया, फिर सहयोग में आने के बाद में ज्योति शिशु निकेतन के परियार जी इन्होंने भी उनमें सहमति जताई कि अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहते हो और स्कूल के बच्चे इसके अंदर समझना चाहते हैं कि आप गुड टच बैड टच या अच्छी चीज़ बुरी चीज़ क्या होती है इसको लेकर अगर आप बताना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाइए. साथ ही हैप्पी होम स्कूल में और मानस एकेडमी, लर्न एंड ग्रो स्कूल और SKB स्कूल, ये पाँचों छः स्कूल ने एक साथ साथ देना शुरू कर दिया. मैं ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ता पर गांधी जी की एक किताब जरूर पढ़ी थी कि कुछ करने की कोशिश करो भीड़ अपने आप जुट जाती है. तो मैंने जब ये कोशिश की कि मैं एक आंदोलन का रूप देना चाहता हूँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को और एक अच्छी पहचान देना चाहता हूँ, तो इसको लेके जब मेरे विचार मैंने स्कूल से व्यक्त किए तो पहले शुरुआती दौर किसी स्कूल ने मुझे बैठाया नहीं कि नहीं यार यहाँ पे हमारे समाज के अंदर एक प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ओपनली बताएं. काफ़ी लेडीज भी बैठी रहती है, टीचर्स भी होती है, काफ़ी बच्चे भी होते हैं, अब कैसे बताएंगे उन्हें इन सब के बारे में और ये इंडिया रिकॉर्ड अपन कैसे बना सकते हैं. ये बड़ा रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड का मजाक नहीं है. आज इस रिकॉर्ड की प्रिपरेशन में 1.5 महीने पहले से करनी पड़ी इनकी टीम के साथ में हुई है. तो आज गांधी जी की वो बात अच्छी याद आती है कि आप आंदोलन का रूप दो, पब्लिक अपने आप आपके साथ में जुट जाएगी. कोशिश हमने ये की इसके अंदर कि आज के दिन हमने ये डिसाइड किया था कि 8:30 बजे हम लोग सब अपने अपने स्कूलों के अंदर सब बच्चों के साथ 20 मैनेजमेंट की टीम और 250 टीचर के साथ में सब अलग अलग जगह पे जाके 8:30 बजे हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके अंदर 2387 2387 बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिंग है क्या. उसके अंदर बच्चों को हमने खेल खेल में समझाया कि तुमने ये अच्छा कैसे पहचानना है और बुरा कैसे पहचानना है, सही की समझ कैसी होनी चाहिए और बुरे की समझ कैसी होनी चाहिए. इसको लेके हमने बच्चों के साथ में खेल खेल में उन्हें 15 मिनट के रिकॉर्ड में बिताया. अच्छा, इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए जो पीछे टीम की जो मेहनत थी, जो स्कूल की मेहनत थी, वो एक मज़ेदार रही थी. सर मैं ऐसा तो नहीं बोलता, श्रीमान थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि ए फॉर एप्पल और अ से अनार नहीं पढ़ाना चाहिए. मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ और मैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट में ये बोल सकता हूँ कि आप बुक्स में बहुत सारी चीज़ नहीं या लेस कर दीजिए, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं. हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो अभी हमारे समाज में जो ज़रूरत है, आज ए फॉर एप्पल और अ से अनार से तो बच्चा पढ़ लेगा, पर व्हाट अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, व्हाट अबाउट ड्रग अब्यूज. आज जो बच्चे ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं उसको हमारा सोसाइटी नहीं देख रहा है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है, स्कूल्स की. बट ऑफ कोर्स बच्चा वहीं से एक बार बढ़ रहा है तो कम से कम सबसे पहले स्कूल उस पर फोकस करें, ऐसे वर्कशॉप दें. आज एक बच्चा 5 साल का बच्चा IT के अंदर मोबाइल के अंदर उल्टे सीधे वीडियो देखने लग गया, 5 साल की उम्र और बच्चा IT के अंदर उल्टे सीधे वीडियो देखने लग गया, कौन समझाएगा उसे. पेरेंट्स समझा रहे हैं पर समझ नहीं रहे. अब बच्चों को समझाने का तरीका दूसरा अपनाना चाहिए. ऐसी अगर वर्कशॉप करें और ऐसे तरीके से हम स्कूल के अंदर कुछ नया ऐड करें तो परिवर्तन लाना संभव है. आज का ही न्यूज़पेपर है, मुझे सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से अजमेर से और दिल्ली से, ठीक है, सर ने आज सुबह ही आते बताया कि मनोज ये आइडिया कैसे आया तुम्हारे मन में कि ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज का आप करना चाहते हो. मैंने कहा सर बहुत टाइम से परेशान हूँ, जब भी एक बार खोलो नाथवाड़ा में बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, कभी कहाँ कुछ खोलो तो खेरवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, ये चित्तौड़ अजमेर रोड पर कुछ बच्ची के साथ में ऐसा हुआ, दिमाग खराब हो जाता है रोज रोज देख के.
तो बोले कि तुम्हारा ये सब चीज़ का गुस्सा है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये मेरा एक गुस्सा है और मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्कूल मेरे साथ में सपोर्ट में आए, पर स्कूल वाले बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। इन छः स्कूल वालों ने बिठाया तो उनका रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कि इन्होंने मेरे को अलाउ किया कि ठीक है आप कीजिए ये फंक्शन। बाकी स्कूल में तो और डर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं हमारा एडमिशन का टाइम ही है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तो पता नहीं हमें तो डर लगता है ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने में। किस चीज़ का डर लगता है साहब? समाज की सबसे बड़ी बुराई चल रही है, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद में हम डरने से बात करने से क्यों डरें? क्यों पेरेंट्स से बात करें क्यों नहीं करें? क्यों बच्चों को ये नहीं बताया कि हेल्पलाइन नंबर क्या है? और क्यों ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया जो उदयपुर में पूरे राजस्थान के अंदर ये फैले? मैं तो ये चाहता था 50,000 बच्चे पूरे उदयपुर के और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फिर भी हमने इंडिया रिकॉर्ड तक तो पहुँच गए। आज मुझे ये खुशी है कि इंडिया रिकॉर्ड तक तो एक बार हम लोग पहुँचे और आज पहुँचने में कम से कम 1-1.5 महीना हमें लग गया ट्रायल बेसिस करते करते करते। तो इन स्कूल वालों का मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले कि जो इन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव में साथ में दिया। नंबर सेकंड, ये जो हमने वर्कशॉप की थी, इस वर्कशॉप में हमने ये एक विद्यार्थी टीचर को प्रण भी दिलाया आज 250 टीचर को कि वो साल में ऐसी 3 वर्कशॉप इंडिया रिकॉर्ड के अलावा भी करेंगे जिसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा, जिसके अंदर कोई आप लोग नहीं आएंगे, जिसके अंदर कहीं और कोई हलचल नहीं होगी, पर स्कूल के अंदर हमारे सब संस्थापक ने इन्होंने एक वादा किया है और टीचर ने वादा किया है कि साल में 3 बार हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे, हम उसको लेके खुल के बच्चों के सामने और बच्चों को बताएं। बाकी बच्चा अपने आप स्पीड पकड़ लेगा, 3 साल से 10 साल के बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो आईटी को लेके वो बच्चा डाइवर्सिफाई जा रहा है, ठीक है, चाहे बच्चा वो एनएसटी हो रहा है या पढ़ने में ढंग से मिलना शुरू कर रहे हैं, जो जा रहे हैं ड्रग्स की तरफ, उसको लेके स्कूल वाले वर्कशॉप क्यों नहीं देते? पता नहीं सबको सिर्फ 99.99% ऐसी चीज है, वो पोस्टर पहले लग जाए, अरे लग जाएगा कहीं कुछ भी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर और ऐसे 99% आया होता तो क्या आज वो क्रिकेटर खेलता? 10th फेल हुआ था साहब, कोई दिक्कत कोशिश की है। मुझे आज विनोद सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और इन्होंने कहा कि आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पूरी आपकी जो प्रक्रिया है आगे पहुंचाने की, अगले 4 से 5 महीनों में मैं आपका पर्सनली यहाँ पे आके आपको मदद करूंगा, क्योंकि आज जो आपने प्रोग्राम किया है मैं खुद डरा हुआ था कि पता नहीं आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, पर जो आज आपने सुबह समझाया उसको देख के लग रहा है कि ये नसीहत तो मैं अजमेर में पूरे राजस्थान में फैलाने की कोशिश करूँ। तो अगर ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं समाज की बुराई जड़ से जड़ बोलना शुरू होगी। हम एक भीड़ को समझाते हैं, चाहे कोट चौराहे पे या चौराहे पे लेके पब्लिक को समझाना शुरू करते हैं कि अरे भैया ये वाला मत करो झंडा, अरे ये वाली बात मत करो, अरे इस सब्जेक्ट पे बात मत करो उस पे, वो नहीं समझते। और अच्छा समझा के भी हम कितना समझा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है, हम बड़े सब ज्ञानी, बच्चा तो ज्ञानी नहीं है, वो तो अज्ञान है, उसमें तो अभी पूरा दिमाग खाली है, हम जैसा भरेंगे वैसा डेवलप होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 स्कूल ने जो इनिशिएटिव दिया है उसके बाद ये रिकॉर्ड मेरा कम से कम नहीं करते 50,000 बच्चों के साथ में टूटे और इसमें हर एक स्कूल पूरे उदयपुर का हर एक स्कूल निसंकोच इसमें साथ में है। मैं आज की जो रिकॉर्ड की पूरी प्रतिलिपि है वो कमिश्नर साहब के पास मैं भी सोमवार को लेके जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ मैं उनको देता हूँ कि सारे सरकारी स्कूलों में ये प्रोग्राम किया जाए। पर मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि कमिश्नर साहब तक मेरी कम से कम आवाज़ पहुँचाइए कि ये ऐसा आंदोलन के रूप में कर रहे हैं और निःशुल्क रूप में कर रहे हैं बिल्कुल, और उनको बच्चों को इस तरीके से समझाएं कि ये 4-5 चीज़ें सबसे ज़्यादा मुसीबत की कारण है। हम उन मुसीबतों के कारणों पर बात करें, ए फॉर एप्पल से अनार ठीक है हो जाएगा कवर, नहीं होगा तो वो बच्चा है अपनी स्पीड पकड़ लेगा, थोड़ा इन बातों पर भी बात करें। तो मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास में समय सीमा है, तो मैं अपनी बात आगे थोड़ी और बात करूंगा। पहले मैं सबसे पहले जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आया है उन्होंने कैसा रिकॉर्ड बनाया और कैसे उन्होंने वो सारी चीज़ें की आज के दिन 2387 बच्चों के साथ में हमारे साथ में मिलकर, एक बार मैं उनसे उनसे आपका 10 मिनट बात कराना चाहूँगा, फिर थोड़ा सा स्कूल वालों का भी मैं थोड़ा सा व्यू लेना चाहूँगा। एप्लीकेशन के लिए मैं आया हूँ और निर्णायक के तौर पर जो हमने पाया यहाँ पर आने के बाद में एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और ये एक इम्पोर्टेंट विषय है अटेंड करने के बाद ऐसा लगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सभी स्कूल में और जो लोग लीडरशिप रोल में है, जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं, माता पिता हैं, उन सबको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए ताकि अपने बच्चों को उनके भविष्य में इससे जुड़ी हुई कोई बुरी घटना घटने से बचा सके। और इसी के साथ इन्होंने इसे एक बेंचमार्क के रूप में सेट करने के लिए और हमारी इस पूरी टीम ने जो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उन्होंने समाज का ध्यान इस पर आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किया है उसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसे एक्नॉलेज करते हुए आज ये देख पाई है कि 2387 स्टूडेंट्स ने इसे अलग अलग स्कूल में वर्कशॉप के तौर पर अटेंड किया
लगभग 9 स्कूल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन लिया और वो सभी स्कूल्स में ये वर्कशॉप हुई। संख्या के आधार पर ये सबसे बड़ा नंबर होने की वजह से अभी तक इस तरह की वर्कशॉप में ये एक रिकॉर्ड बनता है, मोस्ट स्टूडेंट्स एजुकेटेड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा बच्चों को शिक्षा वर्कशॉप के माध्यम से देने का रिकॉर्ड एक ही समय में सारे बच्चों को। मनोज राजपुरोहित ऑफ मिस्टर भारतीय एजुकेशन उदयपुर राजस्थान एजुकेटेड द मोस्ट स्टूडेंट्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन एट स्टैनफोर्ड हाई स्कूल यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर राजस्थान अलॉन्ग विद अदर डिफरेंट लोकेशंस, 6 अदर डिफरेंट लोकेशंस इन्होंने क्लेम किया था, लेकिन उसमें इन्होंने 9 अचीव किया नंबर। टू कर्ब द सोशल इविल ऑन अप्रैल 13, 2018 तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इनका एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक्नॉलेज करती है कि ये सबसे ज़्यादा संख्या में किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चों को दिया जाने वाला एक पहला वर्कशॉप है। डायमंड पब्लिकेशन से पब्लिश होने वाला, हर साल निकलने वाला एक रिकॉर्ड कंपाइलेशन बुक है जो किसी भी इंसान को, किसी संगठन को, किसी विशेष कार्य, कोई खास टैलेंट जहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उसे मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। और हर साल हजारों लाखों लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से एक अच्छा संदेश और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं। आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2018 के एडिशन में मिस्टर भारतीय एजुकेशन और इस प्रयास को दर्ज किया जाए। थैंक यू। Yeah.